नमस्कार जी, आपके एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज हम लोग जानेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ है, कैसे होते हैं ऐसे लोग। दोस्तों, आपने दो शब्द काफी सुने होंगे, बार बार सुने होंगे, और वह है चतुर और चालाक। निश्चित तौर पे अगर आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है तो ये दोनों गुण जन्मजात आपको मिले हैं। निश्चित तौर पे आप इसे गुण कह सकते हैं आज के समय में, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपनी चातुरता से, यानी कि अपनी चतुराई से जीवन के वो हर एक शौक और हर एक सुविधाएं और हर एक मनचाही वस्तुएं प्राप्त कर ले, जो कि उसका सपना है या लोगों का सपना होता है। और आप लोगों में कुट कुट के भरा होता है जिन लोगों का भी जन्म 13 तारीख को हुआ है। चतुर इतने कि बस समझ लो कि जहाँ से किसी को कुछ नहीं मिल सकता है, वहां से भी अपने लिए बहुत कुछ निकाल के ले आए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब जो आपकी थी वो उनकी हो चुकी है, और वो भी आप हंसते हंसते उन्हें दे दोगे। इतने आप बढ़िया वो माया जाल अपना फैला सकते हैं, इतनी बेहतरीन बातें ये लोग कर लेते हैं। चातुर्थ्या इनमें इतनी भरी होती है कि चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से पेश करेंगे, ऐसे आपको दिखाएंगे जैसे लगेगा कि वो, मतलब क्या मैं बताऊं, छोटी सी चीज़ ना हो के कोई ऐसी वस्तु थी जो शायद शाहजहां के समय में यूज करी जाती थी और अब की बार आप करने वाले हो। ठीक है, तो इस तरीके की माहौल बनाने में, इस तरीके का प्रदर्शन करने में लोग काफ़ी आगे होते हैं, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा, चीज़ों को अच्छी तरीके से भांप लेते हैं कि कब कैसे किसे हमें किस तरीके से यूज करना है और किससे हमें किस प्रकार से बेनिफिट हो सकता है। जीवन में आगे बढ़ने की इन लोगों में अद्भुत क्षमता होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ खास क्षेत्रों में, जैसे कि आप उत्खनन के कार्य कहें, ठीक है, जैसे कि आपका हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के काम हो गए, सोने चांदी के काम हो गए, ब्रोकरिंग के काम हो गए, इन सब चीज़ों में इन लोगों का दिमाग काफ़ी चलता है और काफ़ी आगे तक के लोग जाते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ कुछ डिमेरिट्स जुड़े हुए हैं, और वो है जो सबसे बड़ा है वो है आलस्य का, यानी कि ये कार्य के प्रति थोड़े से बोझिल होते हैं। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहते हैं, चाहते हैं कि चीज़ें आए आराम से, बैठे बैठे इनको प्राप्त हो, इन्हें कुछ करना ना पड़े, और इस चक्कर में इनकी इनके जीवन में काफ़ी कुछ परेशानियां आ जाती है। और फिनेंशियली सब सारे ज्ञान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, इन्हें जीवन के कुछ कड़वे पलों का अनुभव इन्हें जीवन में प्राप्त होता है, कुछ कड़वे अनुभव से ये लोग गुजरते हैं। वैवाहिक जीवन इन लोगों का काफ़ी अच्छा होता है, और ऐसे लोगों में एक सबसे बड़ी खूबी देखी गई है कि इनके जो भी पार्टनर होते हैं वो भी वर्किंग पर्सन होते हैं, और ये दोनों लोग एक साथ काफ़ी ज़्यादा धनोपार्जन करते हैं। संतान के मामले में ये लोग काफ़ी ज़्यादा लकी होते हैं, और इन्हें काफ़ी संस्कारी और सहनशील संतान की प्राप्ति होती है, जो कि आगे जाके इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव होती है। समाज में इनका मान सम्मान नॉर्मल ही होता है, जहाँ तक बोले तो थोड़ा निगेटिव होता है, लेकिन उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ये लोग अगर चाहें तो चीज़ों को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये लोग ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। दूसरे इनके बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं होती। ये सामने वाले को कैसे अपने अनुरूप ढाल लेते हैं और कैसे उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं, यही इनका मुख्य ध्येय होता है, और इसी के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। तो यही है इन लोगों का मुख्य, इन लोगों की मुख्य स्थिति। इसके अलावा बात करेंगे इन लोगों के लिए कौन सा रंग है जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर और सबसे ज़्यादा लकी हो, तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि आप लोगों का, जिन लोगों का भी जन्म 13 को हुआ है, ब्लू कलर और ग्रीन कलर ये आप लोग हमेशा वेयर करना, आप लोगों को इससे काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, रेड भी आप लोग रख सकते हो, हैंकी भी रख लो तो चलेगा। इसके अलावा अगर रत्नों की बात करें कौन सा पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजर से ही मिलो। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि आपकी जो कुंडली के भाव है वगैरह देखने के बाद ही आपको अगर कोई स्टोन्स अगर मैं एडवाइस करूँ तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके लिए दिन कौन सा सही होना चाहिए, तो आपके लिए शनिवार का दिन बहुत अच्छा है, शुक्रवार का दिन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इन दोनों दिन जो भी आप करोगे आपको उसमें काफ़ी अच्छी स्थिति में आप पहुँचेंगे। तो अगर बात करें कि अगर आप जॉब वगैरह करना चाहते हो तो कौन सा सेक्टर आपके लिए अच्छा है, आप फिनेंशियली किसी भी सेक्टर में चले जाओ वहाँ पे आपके लिए अच्छे ऑप्शन आएंगे। इसके अलावा अगर बिजनेस करोगे तो नेचुरल रिसोर्सेस के अलावा ब्रोकरिंग वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह के कामों में आप जाओगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, हेल्थ इश्यूज आपके साथ थोड़े रह सकते हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए हमेशा। तो यही था 13 वालों के लिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर, और जानेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 14 तारीख को हुआ है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।